नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, रायपुर से बड़ी खबर। शराब घोटाले के आरोपियों को फिर से जेल भेज दिया गया है। अनवर ढेबर समेत तीन आरोपियों को फिर से जेल भेजा गया है। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में इन सभी को भेजा है। आज इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया था। अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। युगल, क्या जानकारी, कोर्ट में क्या कुछ आज हुआ? देखिए पुनीत, रिमांड की अवधि समाप्त हुई थी। कोर्ट जो शराब स्कैम को लेकर के इन चारों आरोपियों को आज अदालत में फिर से पेश किया गया और उसके बाद सुनवाई हुई है। उभय पक्षों को सुना गया है। उसके बाद चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जो जेल भेज दिया गया है। तो दूसरी ओर यूपी एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने न्यायालय में अर्जी लगाई है और हो सकता है कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर वो ले जा सकते हैं अनवर ढेबर को, और आगे की पूछताछ है शराब इसके मामले में वो पूछताछ है वो कर सकते हैं कि आखिर शराब घोटाला किस तरह का ये हुआ। जिस तरह से नकली होलोग्राम बनाए गए थे उसे लेकर के नोएडा में जो FIR हुई थी, तो उसके बाद जो STF की टीम यहाँ पर पहुँची है और न्यायालय में उन्होंने अदालत भी जो अर्जी है वो लगाई है, तो उसके बाद अनवर ढेबर को रिमांड पर ले जा करके पूछताछ कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो शराब घोटाले के आरोपियों की बढ़ गई है मुश्किल। ढेबर समेत चार आरोपियों को फिर से 14 दिन की जेल भेज दिया गया। आज इनको पेश किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराब घोटाले से जुड़ी ही बड़ी खबर, एसटीएफ लखनऊ की टीम रायपुर पहुंची। अनवर ढेबर की रिमांड लेने के लिए ये टीम पहुंची है, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी युगल अभी दे ही रहे थे। प्रोडक्शन रिमांड लेने के लिए एसटीएफ की टीम पहुंची है। शराब घोटाले को लेकर नोएडा में मामला दर्ज है। अनवर ढेबर को लेने के लिए ये टीम पहुंची है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, महिला को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। गंभीर रूप से घायल है महिला और बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने आरोपी को जमकर पीटा है इस घटना के बाद और जमीन पर कब्जा करने को लेकर ही विवाद हुआ था। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया गया। हमें वीडियो के साथ में चला ले बोला, वीडियो के साथ चला ले।